माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके, दूर दूर से आए हुए भाई बहन बुजुर्ग हमारे सभी साथी, हिंदुस्तान के कोने कोने से आप जहां से भी आए हैं, आप सबके चरणों में संजीव कुमार प्रणाम करता है। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि आज आप लोग इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये जो ऐतिहासिक फंक्शन है शंखनाद, इसमें आपने अपनी उपस्थिति दर्ज करा के मैं कह सकता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग के स्वर्णिम इतिहास में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो मैं आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको धन्यवाद करता हूं इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए। थैंक यू सो मच। और आज का दिन डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है, एडब्ल्यूपीएल के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जो बात यह नहीं है कि किसी ने क्या कमाया, बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग में आज तक एक हफ्ते में किसी ने इतना नहीं कमाया। और सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए भाई, क्योंकि जब 2014 में हम ये कंपनी लाए थे और जब ये प्लान में लोगों को समझाता था तो हर आदमी कहता था दोगे क्या 5.5 करोड़, दोगे क्या 1 करोड़, दोगे क्या 95 लाख। तो मैं जब भी कहता था कि ये संजीव कुमार का हाथ है, 5 करोड़ छोड़ 500 करोड़ पे साइन करने में हाथ नहीं कांपते। क्योंकि ये कंपनी मेरी नहीं है, ये कंपनी आप सभी लोगों की है, ये आप लोगों के लिए बनी है। मैं तो इसमें एक वर्कर हूं, आप सबका सहयोगी हूं, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक दिन ऐसे ही फंक्शन में आया था और सबसे पिछली सीट पे बैठा था और मेरा भविष्य इस इंडस्ट्री ने बदला है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने बदला है। इसीलिए दुनिया का भविष्य बदलने के लिए मैंने 2014 में फैसला किया कि यही इंडस्ट्री है जो एक गरीब आदमी का भविष्य बदल सकती है। मेरा कोई पैसा कमाने का शौक नहीं था, मेरा शौक था कि मेरी जिंदगी कैसे बदले। आज कितना अच्छा लगा जब अमित दुबे सर यहां पर आए, उन्होंने अपनी कहानी बताई, शिव कुमार सर ने अपनी कहानी बताई, तो मैं तो मतलब भावुक हो गया था। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं तहे दिल से अमित दुबे जी आपको कि आपने हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग के लिए ही नहीं, हिंदुस्तान के हर यंगस्टर के लिए आज एक डायरेक्ट सेलिंग का माइलस्टोन स्थापित कर दिया है। जो बच्चे बेरोजगार 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 की दुहाई देते हैं, उन सभी बच्चों को आज अमित दुबे सर आपने एक उम्मीद जगा दी है कि किसी को अब नौकर बनने की जरूरत नहीं है, अमित दुबे बनो, मालिक बनो। और शिव कुमार सर बहुत बहुत बधाई आपको देता हूं कि आपने अमित दुबे सर जैसे बहुत से बच्चे, बहुत से यंगस्टर जो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे थे, जीवन में उथल पुथल मची हुई थी, क्या करें क्या ना करें, क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, आपने उन सबका सहयोग किया, साथ दिया। और शिव कुमार सर आपने भी ये साबित किया कि एक बिहार का गरीब लड़का खुद करोड़पति नहीं दुनिया को भी करोड़पति बना सकता है। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद महिपाल सर आपको कि आपने ये साबित कर दिया कि नेक नीयत के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसे एक सच्चा व्यक्ति मिल जाए
तो वो दोनों मिलके दुनिया पलट सकते हैं। आज आपके एडब्ल्यूपीएल में आने की वजह से मैं कहता हूं एडब्ल्यूपीएल में चार चांद लग गए। सर आपने तो अचीवरों की लाइन लगा के रख दी। और मैं एक बात और कह रहा था कि महिपाल सर अब गाड़ी की चाबी देनी करेंगे दो तीन साल बाद बंद, अब तो हेलीकॉप्टर की चाबी बहुत होगी गाड़ी की। भाई दे सकते हैं मेरे मुंबई वाले, कुछ भी कर सकते हैं, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इतना भी। और आपके सामने देके दिखाएंगे, क्योंकि अपने तो क्या है भगवान ऊपर जब स्टेज पे होते तो अपन तो बोलते नहीं, कोई बुलवाता है अपने से। ये गारंटी है आज आप सब लोगों से वादा है, मेरे इस जन्म में मैं आज एक निर्णय करता हूं कि अगले 10 साल में ये कंपनी 10,000 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर करेगी। नंबर एक मेरा वादा है हिंदुस्तान की जनता से, और मैं वादा निभाऊंगा, बस इतना ही निभाऊंगा, इसके आगे मेरी जनरेशन निभाएंगे। दूसरा, लिख के ले जाओ, रिकॉर्ड करके ले जाओ, 10-15 साल बाद देख लेना, हिंदुस्तान में भारत की धरती को 1,000 अरबपति एडब्ल्यूपीएल पैदा करके देगी। 1,000 अरबपति। इस जन्म में मेरा वादा है आपसे। अब कैसे होगा छोड़ दो, भगवान करेगा, आप लोग करोगे। और लोग 2 करोड़पति 10 करोड़पति 20 करोड़पति की बात करते हैं, लिख के लो, एडब्ल्यूपीएल में 1,00,000 लोग करोड़पति बनेंगे, इसी सदी में बनेंगे और इसी सदी में बनेंगे। ये सब कॉन्फिडेंस के पीछे एक ही कारण है कि जब मैं आया था जब भी यही कहता था कि अगर आपकी नीयत सच्ची है, आप ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, परमात्मा से बंदे हो, कभी झूठ नहीं बोलते, झूठे वादे नहीं करते, जो कहते हो वो करते हो, तो ये जो यूनिवर्स है ना, ये आपकी कोई बात नहीं काटता। इंसान गद्दारी कर सकता है पर भगवान गद्दारी नहीं कर सकता। दोस्तों आज 10 साल हो गए, आप सबके प्यार से, आप सबके आशीर्वाद से 10 साल में जहां तक मेरी नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है, देश में सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा किए हैं एडब्ल्यूपीएल ने, और आगे भी करते रहेंगे। अब ये तो बात हो गई करोड़पतियों की। मैं जब से फंक्शन में आया हूं, यहां बैठा था, कभी इधर देखता था, कभी इधर देखता था, कभी उधर देखता था, और मैं यही देख रहा था कि कितने लोग उठ रहे हैं, कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग फोकस्ड हैं। होता क्या है दोस्तों, आप इस फंक्शन में आए, आपको लग रहा, अभी तक आपको ये नहीं पता चला होगा कि आप क्यों आए। आप एक बात बताइए, ये फंक्शन तो करने की कोई जरूरत नहीं थी। जिसको 5.5 करोड़ आने उसको आ चुके, जिसको 2,85,00,000 रुपए आने उसको आ चुके, वो गाड़ी खरीद लेगा, घर खरीद लेगा, पैसे उसके, तरक्की उसकी, रैंक उसका, फिर आप लोगों को इसका साक्षी क्यों बनाया। तो मैं वहां बैठे बैठे देख रहा था, कुछ लोग यहां पर करोड़ों की बात हो रही है, अरबों की बात हो रही है, कामयाबी की बात हो रही है, सक्सेस की बात हो रही है, फिर भी कुर्सी पे इधर से उधर उधर से उधर कोई फोकस नहीं, टाइम पास कर रहे हैं। और कुछ लोगों को मैंने देखा है जब से आए एक ही जगह बैठे हैं और स्टेज स्टेज और बार बार स्टेज पे देख रहे हैं और बस यही चाह रहे हैं कि एक दिन होगा जब मैं यहां पर खड़ा होऊंगा। ऊपर देख रहा हूं, और याद रखना ये जितने आप लोग ऊपर बैठे हो और जो आखिरी कुर्सी पे बैठा है, उस व्यक्ति को समझाने के लिए, उस व्यक्ति को भरोसा दिलाने के लिए